हेलो गाइस हाउ आर यू यू आर वेलकम इन साइंस क्लास इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट व्हाट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन हमने पढ़ा है कि सेल्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और जिनके रिजल्टेंट हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ये हार्मफुल वेस्ट ये टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जिन्हें बॉडी से रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है तो इन बॉडी से इन नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया इनको बॉडी से रिमूव करना दिस इज नोन एज एक्सन एक्सन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इन हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिनमें जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है तो इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन मेथड से ही वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इन हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इसलिए अलग अलग ऑर्गन से इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के थ्रू नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स ये टॉपिक ले रहे हैं और ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये टू किडनीज होती हैं इसमें यानी वन पेयर किडनी वन पेयर यूरिटर वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथा इन सब ऑर्गन से मिलकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट किडनी किडनी ये इनका सिचुएशन ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है और वर्टिपल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है वर्टिपल कॉलम के दोनों साइड में एबडोमल कैविटी में यानी एबडोमन के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। इनकी शेप बीन शेप होती है और इनका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है लार्ज साइज होती हैं ये और इनकी जो कॉनके वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है कॉनके वाला जो अंदर की और डायरेक्ट होता है इसे हम कहते हैं हाइलम अब आता है यूरिटर वन पेयर यूरिटर होती है और अच्छा एक और बात कि यहाँ जो किडनी है किडनी में आ, वन मिलियंस के अबाउट नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन ही ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने का वर्क करते हैं यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का वर्क नेफ्रॉन का नेफ्रॉन ही करते हैं हेल है हाँ, अब यूरिटर वन पेयर यूरिटर ये हाइलम से यूरिनरी ब्लैडर तक एक्सटेंड रहती है वन पेयर यूरिटर जो कि ट्यूबुलर और लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और इनका वर्क होता है ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करती हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसके कारण जिसके कारण कि यूरिन आगे ट्रांसपोर्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर uh, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये एक बैग लाइक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है थिन वॉल्ड होता है पियर शेप्ड होता है और पियर शेप्ड नाशपति के जैसा होता है और इसमें यूरिन आकर स्टोर होता है टेम्परेली स्टोर होता है यानी कि जब तक स्टोर रहता है जब तक की यूरिथ्रा के थ्रू इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाता है नावकम्स यूरिथ्रा यूरिथ्रा एक मस्क्यूलर टिबुलर स्ट्रक्चर है जो की यूरन ब्लैडर से और बाहर की ओर एक्सटेंड रहता है और इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर डिस्चार्ज किया आउटसाइड डिस्चार्ज किया जाता है तो ये स्ट्रक्चर था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन अभी हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन ये किडनी में वन मिलियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन या रीनल टिब्यूल्स तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ऐसी वन मिलियन टिब्यूल्स नेफ्रॉन्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी यानी मेन जो फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन का ही होता है यूरिन फॉर्मेशन का वर्क नेफ्रॉन ही करते हैं नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ तक का ये पोर्शन ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल और ये पूरा जो लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर है ये कहलाता है नेफ्रिक टिब्यूल्स फर्स्ट कम बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल ये डबल मेम्ब्रेन ये वन और ये आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है कप लाइक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बोमन कैप्सूल और इस बोमन कैप्सूल में यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है ग्रुप होता है और इसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस और ये ग्लोमेरुलस जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स एफरेंट आर्ट्रीओल्स ये जब इसमें एंटर करती है तो ये बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो और एफरेंट ये रीनल आर्टरी की ही ब्रांच है रीनल आर्टरी एफरेंट आर्टियोल में डिवाइड होती है और एफरेंट आर्टरीज की जो फाइन ब्रांच है उन्हें कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो यहां पर जो ब्लड है वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू ग्लो में आकर कलेक्ट होता है ग्लोमेुलस और बोमन कैप्सूल दोनों कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं मेलपीजियन बॉडी मेलपीजियन बॉडी कहलाते हैं और ग्लो का मेन फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है या, यानी कि ब्लड में से सब्सटेंस को फिल्ट्रेट करने का वर्क करता है आ, यहाँ पर जब ब्लड आता है तो यहां पर ब्लड में से कुछ वाटर यूज कुछ सर्टेन यूजफुल कंपाउंड्स एंड सर्टेन हार्मफुल वेस्ट ये फिल्ट्रेट होकर यहां बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं इसे कहते हैं हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहां पर अब नेक्स्ट पार्ट आता है नेफ्रिक ट्रिब्यूल्स इसमें एंटर करता है तो ये पूरा पार्ट नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का है और नेफ्रिक ट्रिब्यूल्स के भी थ्री पार्ट है ये आगे वाला जो पार्ट है कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल कॉन्वर्टेड का मतलब होता है कुंडलित तो आगे वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड टिब्यूल और ये वाला ये यू शेप्ड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम हैनले लूप हेंडले लूप और इसके भी दो लिम है ये हम अभी पढ़ेंगे और ये वाला जो पोर्शन है ये भी कॉमेटेड टिब्यूल है ये कहलाता है डिस्टल कॉमेटेड टिब्यूल तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोक्सिमल कॉमेटेड टिब्यूल तो प्रोक्सिमल कॉमिटेट टिब्यूल ये जब इनमें नेफ्रिक फिल्टेट एंटर होता है तो इस ये एक सेलेक्टिव पर एब्जॉर्ब की साइट है यानी कि उसमें से कुछ सब्सटेंसेस को रि किया जाता है फिल्ट्रेट में से जैसे कि सोडियम कैल्शियम ग्लूकोज अमोनिया सॉरी अमीनो एसिड इनको इसमें से रि किया जाता है ये एब्जॉर्व करके ये वापस बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाते हैं जब अब नेक्स्ट सेक्शन uh, है हेनले लूप दिस इज हैंडले लूप और हेनले लूप की भी दो लिम्स uh, हैं ये थिन वॉल लिम कहलाती है डिसेंडिंग क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट इस तरह से मूव करता है तो ये वाली जो लिम है ये कहलाती है डिसेंडिंग लिम और इसमें मूव जो फिल्ट्रेट है वो ऐसे मूव करता है ऊपर की तरफ इसलिए इसको कहते हैं असेंडिंग लूप तो डिसेंडिंग लूप में जब ये एंटर करता है फिल्ट्रेट तो डिसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लिम ये वाटर के लिए तो परमेबल है यानी वाटर तो इसमें से जा सकता है फिल्ट्रेट में से निकल सकता है लेकिन मिनरल्स के लिए ये इम होती है इसी तरह से जब फू जब तो जैसे जैसे आ, यू जो फिल्ट्रेट है ये नीचे आता है तो ये क्योंकि वाटर को इसमें से परमेबल है निकल जाता है निकल सकता है तो ये यूरिन कंसेंट्रेट हो जाता है और ये डिसेंडिंग लूप ये असेंडिंग लूप है जब असेंडिंग लूप में ये जाता है यूरिन तो यहां पर ये असेंडिंग लूप वाटर के लिए इम्परमेबल है और मिनरल्स के लिए परमेबल है तो इस तरह से इसमें जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होता है अब आता है डिस्टल कॉमेटेड ट्रिब्यूल ये डिस्टल कॉमेटेड ट्रिब्यूल है और यहां पर भी वॉटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रिक जो फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर रीएब्सॉर्व होकर वापस बॉडी में चला जाता है ताकि कम से कम जो वाटर है वो बॉडी से बाहर निकले सारी जो डिस्टल कॉन्टेट ट्रिब्यूल है सभी नेफ्रॉन की ये आकर कलेक्टिंग ट्रिब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है और सारी कलेक्टिंग डक्ट आकर ये कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर हाइलम के थ्रू यूरिटर में ओपन होती है और ये यूरिन को यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करती है जहां से कि इसे आ, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू इसे बाहर समय समय पर न्यूरॉन्स का इसमें इस कंट्रोल होता है आ, और जिससे कि यहां पर से समय समय पर इसको एक्सपेल आउट किया जाता है तो ये स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का और इसका फंक्शन थैंक यू